hurts, it hurts. Touch of the fun. You know what I mean like this. Thank you, Rona Kera. Hi guys, welcome to my channel. मैं हूँ रोना केरा. You all are doing absolutely good, 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 but the best. और आज मैं जा रही हूँ एक बेस्ट ट्रिब्यूट मेकअप आर्टिस्ट इन माई एरिया के पास एक पार्टी लुक करवाने के लिए, और देखते हैं क्या होता है. अगर मुझे उनका अगर मुझे उनका मेकअप पसंद आता है तो मैं वीडियो को वही एंड करूँगी, एंड इफ नॉट तो वैसे घर पे आके एंड करूँगी. तो गाइस, हम मिलते हैं सीधा पार्टी. सो यस, मैं यही समझ चुकी थी कि ये बेस्ट इन टू मिलियन वाली मेकअप आर्टिस्ट है, क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी खुद की लेंस ऑफर की एंड देन इन्होंने मेरे फेस को अच्छे से वाइप किया, वेट वाइप से क्लीन किया और फिर अप्लाई किया मेरे फेस पे मॉइस्चराइज़र और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया. एंड गाइज, मैं यहाँ पे इन्हें पूछ रही थी कि अगर मैं आंखों को बंद करूँगी तो लेंस मेरे आंखों के ऊपर तो नहीं चली जाएगी. काफ़ी ज़्यादा फनी था, लेकिन मुझे डाउट भी तो था कि मैंने कभी लेंस वेरी नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं कि क्या होता है. एंड आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर इन्होंने मेरी ब्राउज को अच्छे से फिल कर दिया और उसके बाद मेरी ब्राउज रियली बहुत अच्छी दिख रही थी, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से फिल की गई थी. फिर उन्होंने कंसीलर से मेरी ब्राउज को सेट किया ताकि उसका और अच्छे से शेप आ जाए, एंड रियली उसके बाद ये और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी. फिर उन्होंने मेरी आईज़ पे लगाया कंसीलर और उसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दिया, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप अपने आई मेकअप को ज़्यादा पॉपअप करके दिखाना चाहते हो तो उसके लिए. तो आफ्टर ब्लेंडिंग द कंसीलर उन्होंने मेरा आई मेकअप स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने एक शेड लिया ब्राउन कलर का और मेरी क्रीज पे उसे अप्लाई करने लगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्रीज से आपकी आंखें डिफाइन होती है, जो आपके आई मेकअप को एक प्लस पॉइंट देती है. सो दोनों आंखों पे अच्छे से क्रीज करने के बाद उन्होंने फाइनली लिया ब्लैक आई शेडो और वो उसे अप्लाई कर रही थी. मैंने उनसे नहीं बोला कि मुझे ये वाला मेकअप चाहिए, मतलब ये वाला आई शेडो लो, ये आई मेकअप करके दो. उन्होंने अपने आप से ही वो कलर डिसाइड किया, जो कि मतलब कंप्लीट होने के बाद रियली बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था. गाइज, आप आगे चल के देखना, आपको बहुत पसंद आएगा ये आई मेकअप. तो यहाँ पे आई शेडो कम्प्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने लिया कुछ ग्लिटर टाइप का और उसे मेरी आंखों पे लगाया और लुक एट दैट, कितना मेरा लुक बदल गया. मुझे इतना अच्छा लग रहा था मेरा आई मेकअप. देन उन्होंने मेरी आंखों पे लगाया फाइनली मस्कारा, और मुझे नहीं मालूम कि जब भी मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती हूँ, अभी तक मैं वर्स्ट के पास ही गई थी, तो जब वो मस्कारा लगाते हैं और जब हो जाता है तो वो मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि अरे अब तो आपको फॉसेस की ज़रूरत ही नहीं है, आई लैशेज की ज़रूरत ही नहीं है. एंड मस्कारा लगाने के बाद इन्होंने अप्लाई किया मेरी आंखों पर आई लाइनर, और जब मेरी आंखों पर आई लाइनर लग रहा था तो मैंने देखा थोड़ा सा आंखें खोल के, और मुझे से लग रहा था गाइस कि बस करो यार. एंड फाइनली यहाँ मुझे लग रही थी आई लैशेज, जिसे देख के मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी बिकॉज आई लव इट. एंड देन इन्होंने लगाया मेरी आंखों के नीचे कलर करेक्टर. मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे जरूरत थी कलर करेक्टर की, बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट वो ज्यादा अच्छे से जानती है, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरी आंखों पे. जहां जहां उनको लगा कि मुझे करेक्टर की जरूरत है, जहां पे रेडनेस है, स्पॉट्स है, पिंपल है, वहां पे उन्होंने कलर करेक्टर लगाया और देन फिर उसे कोई स्प्रे मारा मेरे फेस पे और उसे अच्छे से ब्लेंड किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उन्होंने फिर से मेरे फेस पे कुछ अप्लाई किया, जिसका मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि वो क्या था, लेकिन जो भी था बहुत ही ज़बरदस्त था. देन फिर से उन्होंने मेरे फेस पे स्प्रे किया और उसे अच्छे से ब्लेंड किया. मेरे फेस पे हुई है कंटोरिंग, जिसे से देख के शायद अभी आप डर जाओ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन ब्लेंड होने के बाद आप मुझे पहचानोगी नहीं गाइस कि मतलब ये वही रौनक है जो मेरी नाक, इतनी बड़ी पकौड़ा जैसी नाक इन्होंने कंटोर करके एकदम स्लिम ट्रिम बना दी, मेरे फेस को एकदम स्लिम ट्रिम कर दिया, जॉ लाइन को अच्छे से डिफाइन कर दिया। बस और क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपसे एक लाइक। सो यस, ब्लेंडिंग करने के बाद मेरे फेस का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था, बिकॉज इतनी अच्छी कंटोरिंग मेरे फेस पर आज तक हुई ही नहीं थी। देन उन्होंने मेरे फेस पे कुछ अप्लाई किया जिसे उन्होंने खुद बनाया है। 3-4 चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद मेरे शेड का उन्होंने शायद कंसीलर बनाया है, क्या बनाया मेरे, क्योंकि जो जो पॉइंट पे इन्होंने अप्लाई किया था यूजुअली हम वहाँ पे कंसीलर ही अप्लाई करते हैं। और फिर गाइज ये देखो, ब्लेंड करने के बाद इसका रिजल्ट, ओ माई गॉड। कुछ बोलना चाहोगे आप, बोलना चाहते हो तो कमेंट कर दो। और अप्लाई करने के बाद इन्होंने ब्लेंड किया एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है इन्हें एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कहलाने का, क्योंकि अभी तक मैं जहां गई थी उन्होंने ब्यूटी ब्लेंडर को भिगाया भी नहीं था। एंड लुक एट दिस, ये कितना अच्छा लग रहा है ब्लेंड होने के बाद, बिल्कुल अच्छा कवरेज है इसका। एंड प्लस ये बिल्कुल लाइट वेट था मेरे फेस पे। और फिर इन्होंने अप्लाई किया मेरे फेस पे लूज पाउडर, जिससे मेरे फेस को रियली एक मैट लुक मिल चुका था। फिर बॉर्डर लाइन के नीचे इन्होंने ब्राउन और ब्लैक आईशैडो को मिक्स करके अच्छे से अप्लाई किया, जिससे मेरी आंखों को रियली एक स्मोकी लुक मिल चुका था। एंड फिर जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि इन्होंने मेरी आंखों में लगाया व्हाइट काजल, और व्हाइट काजल लगाने के बाद मेरी आंखों के जो नज़ारे थे आई कांट एक्सप्रेस गाइज। आप खुद ही देखो मेरी आंखें कितनी ज़्यादा बड़ी और कितनी ज़्यादा प्यारी दिख रही थी। फिर आता है मेरा फेवरेट पार्ट यानी कि ब्लश गाइज। और ब्लश लगाने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही मेरी तरह कोई होगा, अरे अरे ज्यादा हो गया। लेकिन सही में ब्लश अप्लाई करने के बाद हमारे मेकअप का जो लुक है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। कौन कौन अग्री करता है मेरी इस बात से, फटाफट से लाइक कर देना, कॉमेंट करके मुझे बता देना कि येस आई अग्री। फिर आता है हाइलाइटर, और हाइलाइटर के बाद मेरा जो मेकअप है वो एक और स्टेप ऊपर उठ चुका था, बिकॉज पर्सनली मुझे हाइलाइटर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी पूरी लाइफ में मैंने आज तक मेरी कॉलर बोन्स पे हाइलाइटर नहीं लगाया था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी मुझे हाइलाइटर लगाया। फाइनली मैं लिपस्टिक की बात करूँ तो मैं अपने मन में अंदर ही अंदर सोच रही थी कि कहीं ये मुझे कोई डार्क शेड ना लगा दे, क्योंकि बिकॉज जो मेरा आई मेकअप था वो पहले ही थोड़ा ज़्यादा हैवी था। एंड आई वॉज गुड टू गो। और ये रहे थोड़े से मेरे आफ्टर शॉट्स। You know what I mean with this? मुझे तो मेरा मेकअप इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है गाइस कि मैं आपको क्या बोलूँ। और मैं आपको बता दूँ मेरा ये मेकओवर किसने किया है, देखना चाहते हो आप तो मेरा ये मेकओवर किया है जाकिरा मैम ने। ये है जाकिरा मैम, ये इतना अच्छा मेकअप करती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको जैसा मेकअप चाहिए, जो भी लुक आपको क्रिएट करना है, ये इजीली वो इतना मतलब कुछ ही समय में इतना अच्छा मेकअप लुक करके दे देती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और गाइस कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मेरा नाम जाकिरा शेख है और मैं एक एथलेटिक सर्वाइवर हूँ, बट मेरे अंदर जो आर्ट है ये मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अंदर की ब्यूटी नहीं है, पर मैं लोगों को ब्यूटी बना सकती हूँ और लोगों को एक अच्छा लुक दे सकती हूँ। और बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ। और दूसरी बात यह है कि किसी को भी मेरे तक पहुँचना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जाकिरा शेख, और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या रौनक जी से भी आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। और थैंक यू मुझे फॉलो करने के लिए, और थैंक यू ये रौनक जी आए मुझे तो अच्छा लुक बोला कि मुझे करना है, बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। थैंक यू सो मच। तो गाइज अगर आप भी इनसे मेकअप कराना चाहते हो तो ये इनकी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप इनसे कॉन्टैक्ट करो और आप भी अच्छे से मेकअप लुक करा सकते हो गाइज। तो गाइज अगर आपको वीडियो किसी भी चीज़ पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक बनाऊँ या कौन सा लुक क्रिएट करूँ ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।